जल, जंगल और जमीन, बढ़ती जनसंख्या, घटता जंगल, जंगलों का हो रहा है शहरीकरण, जंगलों का अत्यधिक कटाव, छीन जा रही है हरियाली, जंगली जानवरों का सुरक्षित आवास बन रहा है इंसानों का चारागाह, इसका परिणाम जंगली जानवर आम लोगों के बीच हो रहा है टकराव, ऐसी कहानी भारत के कोने कोने में हमें देखने को मिल रही है। सिकुड़ता जंगल, जंगल का दोहन, ईंट कंक्रीट के इस नए जंगल में इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा दी है। ऐसी ही कहानी बुधवार को हजारीबाग के खिरगांव में घटी है, जहां दो लोगों को हाथी ने जान ले ली। यूं कहें तो अगर जानवर हाथी को मारे तो अलग बात है, बेजुबान जानवर को मार दिया, मगर यहां तो बेजुबान जानवरों ने इंसानों को मार दिया। मगर इसका कारण क्या है? इस घटना के बाद लोगों में भय का माहौल है। मौत दामोदर साव और घनेश्वर साव का हुआ है। ये खेत में काम करते थे और हाथियों का तांडव लगातार जारी है। सिकुड़ता जंगल, जंगलों का अत्यधिक कटाव, ये बन रहा है मानव और जानवरों के बीच संघर्ष। वन निर्माण लगातार घट रहा है, वन लगातार घट रहा है, वन विभाग खदेड़ने में लगी रहती है और ये हाथी आखिर जाए तो जाए कहाँ? ये कहानी हमारे धनबाद के टुंडी में भी देखने को मिलती है। आदम और हाथी के मध्य देखने को मिलता है टकराव, फसलों को नष्ट कर देना, घर को तोड़ देना, अब ये आम बात है। हाथियों को नियंत्रित करने के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं, मगर क्या ये फौरी इलाज है? वाइल्ड रिसर्च की माने तो अपने ऐशगाह खोने और जंगल सिकुड़ने से हाथी परेशान है। हाथी एक ऐसा जानवर है, अगर बचपन में कहीं भी विचर लेता है उससे प्राय वो जगह हमेशा याद रहता है। अब उसके जंगल, उसके आवाज छीन हो गए हैं, लेकिन उसकी विस्मृत में, उसके दिमाग में अभी भी वो जगह याद रहता है। मानव रूपी जानवरों ने इनका ऐशगाह छीन लिया है। ब्यूरो टेस्ट, जनमानस समाचार। यही संदेश होगा कि कहीं गैदरिंग नहीं करें, और हाथी यदि किसी रास्ता से जाना चाह रहा है उस रास्ता को छोड़ दें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को सचेत रहें। मैंने ऊंचे जगह पर कहीं यदि छत पे है तो छत पे रहें, रोड में मूवमेंट नहीं करें। दो आदमी को डेथ हो गया है, दो आदमी कैजुअलिटी है, एक आदमी गंभीर रूप से है जो रांची रेफर किया गया है। तो लोगों से ही हमारा अपील होगा, वन विभाग से ही अपील होगा कि सचेत रहें, सुरक्षित रहें और कहीं भी भीड़।